यीशु 5000 लोग ना उनको जीवन खिलाते। यीशु ने अपने प्रेरित ना उनको प्रचार करन और लोग ना उनको वचन की शिक्षा देन के गुना कई सारे लोग ना उनको अलग अलग गांव नाउन में भेजिस। जब ही वहां लौटिन वहां पे यीशु होतीस तो हुन्ने बताइन कि हुन्ने का करे होतीन। जब यीशु ने हुनको झील के दूसरे किना ओके संग एक शांत जागा पे जाए के कुछ समय आराम के गुना बुलाइस। एके गुना ही एक डोंगा पे चढ़ गईन और झील के दूसरे किना चले गईन। पर वहां बहुत सारे ऐसे लोग नान होतीन जिनने यीशु और ओके चेला ना उनको डोंगा में जाते हुए देखिन। ही लोग उनके से सामूर झील के दूसरे किना जान के गुना झील के किनारे किनारे पे भगिन। एके गुना जब यीशु और कई चेला ना उनको एक बड़ो झुंड उनको इंतजार करतो हुओ पहले से होतीस। वह गर्दी में बाई नाउन और टूरा नाउन की गिनती को छोड़ के 5000 से ज्यादा मानुष होतीन। यीशु ने ही लोग नाउन पे बड़ी दया करी। यीशु के गुना ही लोग बिना चरवाहा की मेंढा के सार के होतीन। एके गुना ओने उनको शिक्षा देईस और उनके बीच में जो लोग बीमार होतीन उनको साजरो करीस। दिन डूबते समय में चेला नाउन ने यीशु से कहीन, अब देर भई गई है और आसपास में कोई गांव निया, ही लोग ना उनको जान दे ताकि ही जाए के खान के गुना कई ले सके। पर यीशु ने चेला ना उनसे कहीस, तुम उनको खान के गुना कई देव। उनने उत्तर देन, हम असो कसो कर सकतन, हमारे जवर सिर्फ 5 रोटी और 2 छोटी मच्छी नाउन छत। यीशु ने अपने चेला ना उनसे कहीस कि ही गर्दी के लोग ना उनको गवत पे 50-50 के झुंड की कतार में बैठन के गुना कहीस। तब यीशु ने 5 रोटी और 2 मच्छी को हाथ में लेके स्वर्ग के किना देखीस और वो जेवन के गुना परमेश्वर को धन्यवाद करीस। फिर यीशु ने रोटी और मच्छी नाउन को टुकड़ा टुकड़ा करीस और ने लोग नाउन को देन के गुना अपने चेला नाउन को ही टुकड़ा देईस और चेला नाउन हु जीवन को बांटत रहिन और हु कभी खत्म नहीं भईस और ही सप्पाई लोग खाए के संतुष्ट भईन। ओके बाद चेला नाउन ने हु जीवन को जमा करिन जो खान के बाद बचो होतीस और हु 12 टोकनी भर के जमा करिन। हु पूरो जीवन ही 5 रोटी और 2 मच्छी से बचो होतीस।